वो कोई सिस्टर है कि भाई है, वो पूछ रहे थे कि बाजी के कितने बच्चे हैं, हमें बताएं जी प्लीज। करके जी बाजी खाना डाल रही हैं जी। गोभी की लुक बहुत अच्छी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत होंगे। तो भी बस दोपहर के हो चुके हैं जी 12:30, और आज दिन है जी संडे का, आज भी छुट्टी है जी। तो अभी अभी जी नाश्ता किया है, ये रात वाली बिरयानी थी और ये साथ जी कबाब पड़े हुए थे ये वाले, और ये साथ चाय, हबीब साहब ने जी चाय और ये बिरयानी खा ली है। इधर देखें जी हबीब साहब लेट गए जी वो खाना खाकर। अभी मैं जाऊंगा सब्जी वगैरह लेके आऊंगा, सब्जी गोश्त वगैरह, और उस वक्त तक ये ऊँग आ मिले। हाँ जी, मैं जरा एक घंटा सो लूँ। एक घंटा सो, 5 मिनट के बाद इनका एक घंटा स्टार्ट होता है सोने वाला। तो क्या आज जी बोला इनको कि लेकर आए पालक, पालक का प्रोग्राम बना हुआ जी हमारा बनाने का, क्योंकि जी जब काफी ऐसा हो गया हमने ये वाली सब्जी नहीं बनाई, तो आज दिल कर रहा है कि ये सब्जी बनाए। अभी जी वो भाई आया है फर्नीचर वाला, बाजी ऊपर कहीं है, तो फिर ऊपर भी चलते हैं और आपके साथ जी सारी शेयर करेंगे जो जो करते जाएंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपका लेकर आई हूँ जी एक गेम। ये एक गेम नहीं है, ये एक खजाना है जिसे आप जी अर्निंग करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। पाकिस्तान की जी नंबर 1 गेम है, इससे आप इजीली जैज कैश और इजी पैसा विदड्रा कर सकते हैं। अगर आप ये गेम खेलते हैं तो आपको ये गेम छोटे छोटे डॉलर देती है। अगर आप इसको जी सिर्फ साइन इन ही करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो ये गेम आपको जी ये आपको 36,000 का बोनस देगा। इस गेम का नाम है जी K1। आपको जी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप 300 वाले कार्ड भी 3 ले सकते हैं। जहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है कि आप 9,000 वाला कार्ड खरीदें या आप 5,000 वाला कार्ड खरीदें। इस पर आप जी जैस कैश और इजी पैसा भी ड्रा कर सकते हैं। आप गेम खेलें और बग़ैर इन्वेस्टमेंट के जी पैसा कमाएं। मेरी डिस्क्रिप्शन पे जाएं जी, वहाँ इस गेम का लिंक लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर जी आप खुद को रजिस्टर करवाएँ और फ़ायदा हासिल करें। एक घंटा हो गया जी मुझे ये कपड़े वॉश करने में, तो आज संडे है, जितने भी जी कपड़े मेरे इकट्ठे हो जाते हैं स्कूल वाले, वो फिर मैंने हाथों से जी धोने होते हैं, तो ऊपर जाते हैं जी, धूप में डाल के आते हैं। अभी नीचे वाले बहुत से काम करने वाले हैं, वहाँ देखे जी मैंने बर्तन वॉश किए हैं किचन से, तो यहाँ से जी अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, वो आकर जी फिर दोबारा इसको नीचे से साफ करेंगे। और यहाँ पर देखे जी साइकिल पड़ा है भाई मिस्त्री का, भाई मिस्त्री भी बनाया हुआ है, कपड़े डालते हैं ऊपर चढ़कर, मौसम भी शेयर करते हैं और भाई मिस्त्री को देखते हैं कितना काम किया उसने। तो अभी बस यहाँ पे जी सिर्फ मेरे 2 जोड़े आए हैं और यहाँ पे जगह बिल्कुल थोड़ी है, तो ऊपर जी चल कर डालते हैं इन कपड़ों को। मौसम आज बहुत अच्छा है जी, देखें जी सूरज जो है वो निकला हुआ है जी, आइन सर के ऊपर है, ये देखिए जी चमकदार दिन है जी आज माशाल्लाह, और हल्की हल्की जी कहीं कहीं कोई गैस सी बनी हुई है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। ये देखें जी हम पत्ते हिल रहे हैं, हवा भी चल रही है जी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, और इधर का भी जी मौसम बहुत प्यारा है, और वो सामने जी ट्यूबवेल चल रहा है क्योंकि ज़मीनों पर जी आजकल पानी लग रहा है चावलों की फसलों को, तो कपड़े जी मैंने इधर ये वाले डाल लिए और ये वाले पड़े हुए हैं, इसको लेकर जी ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे देखिए जी भाई मिस्त्री कहीं काम कर रहा है, तो ये वाला कलर जी उसने ब्लैक कर दिया है, तो ये वाला कलर जी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उनको भाई को बोला है कि ये चेंज कर दे, कह तो रहा है जी मैं चेंज कर देता हूँ, आप देखते हैं जी कितना ये चेंज होता है कलर, ये देखिए जी सारा ब्लैक हो गया है। अभी ये भाई की शीदा कारी कर रहे हैं, अरे भाई फुल नहीं पाने जी फुल नहीं, हां जी मैं थोड़े हरे आए मम्मी मैं है पानी को ज्यादा हो जाता। अच्छा जी, उसके बाद फिर कलर चेंज हो जाता। हां चेंज, आप भाई लैट कर दो, लैट थोड़ा हो जाए।
और यहाँ पे देखें जी सारे काम वगैरह कर लिए, बर्तन वगैरह वाश किए हुए हैं अभी तक जी। ये नीचे से हमने वाश नहीं किया क्योंकि जी यहाँ से होना है वाइट वाश। जब ये हमारा जी इधर से ये सामान सारा खाली हो जाएगा तो फिर ये सारा जी वाइट वाश करना है। फिर सेटिंग करेंगे इधर की भी और इधर की भी जी, सारी सेटिंग हो जाएगी हमारी आराम से। तो व्यूअर्स मैं जी ऊपर सबसे ऊपर वाले पोर्शन ले आ गई, सबसे ऊपर वाला तो नहीं सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर हुआ है जी। तो यहाँ पे डालते हैं जी कपड़े और बाजियाँ जी, अभी तक लहसुन जो है वो छीन रही हैं दोनों। ऊपर का मौसम बहुत प्यारा जी, हवा चल रही है इसका, तो माशाल्लाह ऊपर वाले पोर्शन पर बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी हवा लगती है और यहाँ पर जी दिल करता है बैठने को। कपड़े डालते हैं जी और अभी मेरा नीचे वाला काम काफ़ी ज़्यादा रहता है, फिर मैं वापस जाऊंगी और फिर बाजी से आप पूछूंगी आज क्या करना है। तो मैं उस कपड़े जी मैंने सारे डाल दिए इधर दीवार पर, ईंटे भी रख दिए ताकि कपड़े हवा से नीचे न गिर पड़े। तो चलते हैं जी नीचे और बाकी काम खत्म करते हैं जी, फिर छत के ऊपर दोबारा भी आऊंगी। मैं जी ऊपर आ गई हूँ छत पर, तो नीचे वाले जी मेरे काम सारे खत्म हो गए हैं और यहाँ पर जी ये हबीब साहब ले आए जी गोभी, आई गोभी बनेगी। साथ ये हैं जी आलू और साथ थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ है जी तकरीबन आधा किलो, वो भी डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हबीब साहब जी आज बिजी हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज वो कह रहे हैं जी मैं आपको विंडो जो है वो पॉलिश कर देता हूँ, कर तो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बारियां निकाल दी है मैं जी, ये दोनों बारियां। अच्छा, ये निकाल दी। हाँ, बहुत पेट हो गई। आप आज देखें जी हबीब साहब नियत से लगे हैं, चमक गई है सारी दिल से, रंगी फोन लगा हुआ था। अच्छा, 5-6 साल से बारियां पड़ी हुई थी नीचे। हाँ, ये काफी जी अरसे से हमने बनवा के रखी हुई थी लेकिन पता नहीं लग रहा था कहाँ लगवाए, यहाँ पे ऊपर वाला जगह लग के तो बड़ा बेहतरीन हो गया। चले जी, ये 20-25 हजार रुपए का था। चले देखो, और ये देखिए जी भाई को बोला है तो भाई ने जरा कलर हल्का किया है, अब कह रहे जी और भी कर देते हैं। और देखिए जी ये ब्लैक था तो ये किसी को अच्छा नहीं हमें, और ये देखिए जी ये ब्लैक ब्लैक नहीं अच्छा लग रहा, तो अब ये हल्का करने से जी इसकी वो रेड रेड शाइनिंग आ रही है। तो भाई क्या तो रहे हैं कि सारा इसे भी और भाई हल्का कर दे। चले, और ये देखें जी कलर बहुत ज्यादा माशाल्लाह जी प्यारा हो गया फर्नीचर वाला, ये बहुत अच्छा लग रहा है जी हमें। ये जी साफ ब्लैक है, ये तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। और ये जा रहे हैं जी हबीब साहब, कह रहे हैं जी मैं आपके लिए जलेबियाँ लेकर आता हूँ। और ये देखें जी शाम हो गई है, वहाँ पे सूरज आ गया जी इस तरफ, और अभी जी हमने हंडिया वगैरह की तैयारी हो रही है। तो मैं नीचे आ गई थी क्योंकि भाई ने बुलाया था हमें कि आप अपना कलर जो है वो चेक कर लें, तो मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। क्यों बाजी आप ठीक नहीं? सोना। हाँ सही है। ये वाला ब्लैक बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, इसमें शाइन भी आ गया। हाँ जी, और ये देखिए जी दीप साहब आ गए हैं। अच्छा, दूध पहले कह रहे थे मैं नहीं लेके आऊंगा। ये जी जलेबियाँ आ गई हैं क्योंकि जी आज सारे बच्चे कह रहे थे मैं जलेबियाँ खिलाएं। समोसे, चलो जी चाय बनानी है। अच्छा चले, चलो सही है। तो इसको गर्म कर लेना, दही वगैरह भी तो लगानी है। ठीक है, चाय चाय बनानी है। जलेबियों के साथ गया वो भी मीठा, वो भी चले थोड़ी सी बना ले, हमें तो जलेबियाँ ही काफ़ी है। चले ठीक है।
तो भाई मजदूर वास्ते बना लो, उन्होंने जलेबियां दो है और भी बाजी जलेबियां दे व्या जे राज जलेबियां भी दे के आ हां जी भाई मजदूर को बाजी दे के आ उन्होंने आके तनु गुस्से ना लाना चाह भी नहीं कुछ नहीं गुस्सा था जी हमें भाई मजदूर पर क्योंकि उसने पॉलिश का कलर जो है ना खराब किया है तो वो फिर ना फिर मैंने कहा चले जी हो जाता है इंसान से अब वो ठीक कर रहा है। 20,000 कम तो नहीं पैसे, 20,000 उसने पैसे लेने हैं, पैसे नहीं रुपए लेने हैं सॉरी। तो फिर पैसे जब देते हैं तकलीफ तो होती है, काम सही ना हो तो जी चले जी। और शाम हो गई है बाजी चाय बनाए तो यहाँ पे देखे जी वो सूरज जो है वो इस तरफ आ चुका है, बहुत प्यारा व्यू आपको दिखा देते हैं। एक घंटे में ग़ुरूब हो जाएगा सूरज। अच्छा चले हो जाए। आपने वो विंडो नहीं करनी पॉलिश अभी तो उसका जंग उतारा है सारा। चले सही है, अभी उस पे गीला कपड़ा लगाएंगे फिर सूखेगा तो फिर इंशाल्लाह कल सुबह करूंगा मैं इसको पेंट। ओके ओके है? ओके मैं मेरे स्कूल जाने से पीछे कर दीजिए। आप स्कूल जाएंगी तो मैं ये आके करूंगा। ये जलेबियां जी मैंने डाल ली हैं, ये इतनी बड़ी हैं ये और दे देते हैं भाई मिस्टी को। तो अभी मैं चूल्हा जी मैंने रखा है तो यहाँ पे चाय भी बनाएंगे और फिर जी हंडिया भी स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा थी आज शाम हो चुकी है। आलू गोभी की जी हमारी कटिंग हो चुकी है, सारा मसाला जी हमारा तैयार है। यहाँ पे जी बाजी चाय बनाएंगे तो फिर उसके बाद जी हम फिर ये अपनी हंडिया जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये जी मैंने गोभी को वॉश कर लिया हुआ है तो इसके ऊपर जी हम लगा देंगे हल्दी। तो भी बस ये देखो जी चाय बन गई है, एक हरीसा की एक तो सेव की है और ये जलेबियां। समोसा किधर है? वो इतने ज्यादा तो ऊपर में है। क्या चाय बनाई है यार जबरदस्त, ये दिखाएं जी व्यूअर्स। ये दूध ही ऐसा है जी है? ये बाजारी दूध है, जब बाजार से दूध लाते हैं तो उसकी चाय अच्छी नहीं बनती। अच्छा? कह रहे हैं चाय अच्छी नहीं बनी। यानी मैं तो कह रहा हूँ बड़ी अच्छी चाय बनी। वैसे लगे मजाक को तंज कर रहे एकदम करना तो खाना एकदम करना है चाय नहीं सही बने। दूध सही नहीं है, दूध बाजार ही है ना तो पतला दूध बन रहा है। चाय में डुबो डुबो कर खा रहे हैं जलेबियाँ तो आप भी खाए ना। बच्चे जो हैं वो अपनी जलेबियाँ लेकर नीचे चले गए और हम चार बंदे ऊपर हैं। बाजी मीना जी बाहर गई हुई है वॉक करने, अभी वो भी आएगी तो ले लेंगे। तो फिर ये समोसे भी आ गया जी, अभी साहब कह रहे थे मैं थोड़े मिले थे तो अब ये थोड़े जो है बंदे थोड़े खा लें। चलो जी काफी खा लिया, चटनी भी है। चटनी देखें जी इसका कलर कैसा है, ये समोसे है कि समोसे हैं? समोसे हैं जनाब, समोसे हैं लगे हैं। गोभी आलू चिकन, चिकन भी आ गया जी। ये देखिए जी चिकन है हमारा आधा किलो, तो इसकी जी मैंने रेसिपी की तैयारी कर ली है। तो सबसे पहले जी हम डालेंगे घी, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चले जी एक चम्मच जी मैंने डेढ़ चम्मच छोटा डाला है। यहाँ पे जी घी गर्म हो चुका है, एक चम्मच के बराबर जी जीरा है इसको डालते हैं और फ्राई करते हैं। तो भी बस अब जी डालेंगे इसमें प्याज, प्याज जी ज़्यादा कटी डाल दिए। आज इरमा लगी हुई थी जी ये खेत में प्याजा प्याजा कह रही हूँ, ये देखो जी इतने ज़्यादा प्याज काट के वो चली गई है। तो एक अदद के बराबर जी प्याज डालेंगे बिस्मिल्लाह। तो भी बस प्याज जी हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे जी हम एक अदद टमाटर बिस्मिल्लाह करके डाल देते हैं। अब डालेंगे जी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट दो चम्मच के बराबर जी हम डाल देंगे। इसमें डाल देंगे
यहाँ पे देखे जी अभी तक हबीब साथ में बैठे हैं, समोसों और जलेबियों से जी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तो हमने तो जलेबियाँ खा ली हैं और बाजी भी खा के इधर आ गए जी, मुझे मिर्चों की कटिंग करके दे रही है वो, और तसीब ऊपर चला गया था जी, मौसम देख लें इंजॉय कर लें। शाम हो गई है जी और मगरब का टाइम होने वाला है, आज हलिया मेरे करने की लेट हो गया क्योंकि भाई मिश्र ने जी हमारा जो कलर चेंज किया है बड़ी मुश्किल से जी, हमने इसे मनाया है कि दोबारा से रेड करें थोड़ा थोड़ा फर्नीचर कलर, तो वो जी उसके साथ बहस करते 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 जी हम थक गए आज सुबह आए सारा दिन जी आज उसी के साथ ही हमने सर खपाया है। तो चूँकि जी पैसे इतने ज़्यादा उसने लेने हैं तो वो कलर तो वो करें जो हमें चाहिए, उसने जी ब्लैक कलर कर दिया था, फिर हमने बोला कि फर्नीचर कलर करो, जो हमारे फर्नीचर का कलर है जी वही उसके साथ उसका मैच कर दो। तो अभी बस यहाँ पर अब डालेंगे जी ये चिकन, और ये चिकन है जी हमारा आधा किलो, जिसके लिए रखना चाहिए यहाँ पर जी एक अदर टमाटर और मैं डालने लगी हूँ, क्योंकि जी पहले बाजी ने मुझे डराया था कि टमाटर महंगे हो गए जी 300 रुपये किलो, तो अब हबीब साहब कह रहे हैं कि नहीं 150 रुपये किलो है, इसी तरह ही है जी। हाँ जी अब तो मैं लेके आया था 150। अच्छा, इस वजह से पहले मैंने एक डाला है, अब मैंने एक और डाल दिया। यहाँ पर डालेंगे जी आप सब मिर्चें, तकरीबन 4 अदर जी हमारी सब मिर्चें डाल देते हैं। यहाँ पर डालेंगे जी अपने मसाला जार, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जी सूख मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 1/2 चम्मच मोटी कुटी सूख मिर्च। तो अभी बस चिकन और मसाला जी हमारा 2 से 3 मिनट तक फ्राई हो चुका है, तो अब हम यहाँ पर डालेंगे जी हम आलू, और आलू है जी हमारे 1/2 किलो, बिस्मिल्लाह करके डाल देंगे। हबीब साहब को जी मैंने बोला है कि जाकर रोटियां ले आए, तो रोटियां नहीं लाई तंदूर से? नहीं नहीं रहने दे रोटी, क्यों इतना टाइम हो गया, चावल बनाए हैं रोज, चावल बनाते हैं कल पके, तो क्या हो गया चावल रोज खाने चाहिए? नहीं रोज नहीं खाइए, बाकी हो गए चावल, अब पता नहीं जी बच्चे भी मानते हैं कि नहीं मानते, पूछ लेना आप, बच्चे एक दिन चावल ही खा रहे तो फिर कहते नहीं जी एक टाइम चावल एक टाइम रोटी, चावल बहुत, क्योंकि जी कल हमने टाइम से अपना व्लॉग शुरू किया था, आज उस तरफ लगे रहे ना फर्नीचर की तरफ, तो खाना हमारा लेट हो गया, गैस जल्दी चली जाती है जी, तो रोटियां बनाते बनाते फिर टेंशन होती है कि गैस न चली जाए, गैस आठ बजे जरूर जल्दी चले, बच्चों से पूछ रहे हैं कि वो क्या करें। तो अभी बस बाजी कह रही है जी चावल नहीं पक रहे, चावल नहीं पक रहे हैं, आटा गूंदने लगी हैं रोटियाँ पकाने में, आटा गूंदना है, हाँ चावल बच्चों ने नहीं खाने आज, चले जी यहाँ पे आप डालेंगे जी हम गोभी, हमारे आलू चिकन फ्राई हो चुके हैं और गोभी है जी हमारी 1.5 किलो, माशाल्लाह जी बिस्मिल्लाह करके डाल देते हैं। और ये देखिए जी मगरब की अजान स्टार्ट हो गई है, और बाजी ले आई हैं जी आटा, तो यहाँ पे गूंदेंगे जी आटा। चलो जी आज बाजी ने आटा गूंद लिया, आज नहीं रोज की तरह आज भी बाजी ने आटा गूंद लिया, तो आज बाजी ने, मैंने ये कहना था कि आज बाजी ने किसी डब्बे में नहीं डाला, आज ना फिर बाज रहा, चलो चलो जी बल्ब जो है वो ऑन कर दिया, और ये देखें जी बाजी मीना अब आई हैं जी वाक शाक करके, ये बस फिर बहाना बना लेती हैं जी, मैं दूध लेने गई थी
نہیں تو اس سے پہلے وہ تو پہلے کتنے سو دسو ہاں ذرا یہ ہمارے نا ساڈے جو بھین بھرا نے وہ آدھے نے باجی مینا ویڈیو چ بھی نہیں آتی تو بھائی یہ پریشان بھی رہتے ہیں تو بھی بس آپ دیکھ لیں جی یہ باجی جو ہے ان کو عادت ہے باہر جانے کی واہ کرنے کی تو اب یہ اثر سے پہلے کی جی باہر گئی ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر ہوئی ہے جی جب مغرب کی اذان ہوئی ہے تو یہ پھر دودھ لے کے آئی ہیں تو پھر وہ انہوں نے وہ اس کو کاٹنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے لیے دیکھیں جی ادھر جلیبیاں سموسہ رکھا ہوا ہے اب یہ آئی ہیں اور ہمارے جی ایک نیچے نا کوئی سسٹر ہے کہ بھائی ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ باجی کے کتنے بچے ہیں ہمیں بتائیں جی پلیز باجی کا باجی کے دیکھیں جی بچے کوئی نہیں ہے بچے سارے میرے ہی ہیں ہاں جی باجی کہہ رہی ہیں کہ اس گھر میں جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے میرے ہی ہیں تو میری بیٹیاں بھی جی انہوں نے ہی پالی ہیں قسم کی ارما جو تھی وہ میری گود میں تھی جب میں ادھر آئی تھی ٹھیک ہے تو باجی جی سارا کچھ میرا ساتھ دیتی رہی ہیں ماشاء اللہ باجی نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے تو یہ پھر بعد میں جی باجی دوسری بھی آ گئی جب میرے جی سسر فوت ہو گئے تو باجی توصیف کے ساتھ بھی بڑا پیار ہے بشرا کے ساتھ بھی عدیل کے ساتھ بھی سب کے ساتھ تو اور باجی کے جو میاں ہیں جی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے فوت ہو چکے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے اگر باجی کے بچے ہیں تو وہ کدھر ہے ہاں جی باجی جی شروع سے ہی ہمارے ساتھ ہی رہ رہی ہیں تقریباً 18-20 سال سے باجی کا یہ گھر ہے جی میں تو بعد میں آئی ہوں جاب کے سلسلے میں پھر میری ادھر جاب لگی بہت لمبی سٹوری ہے جی اگر آپ بولیں گے تو تھوڑی تھوڑی آپ کے ساتھ جی شیئر کر دیں گے تو چلے سموسا کھا لیں ہوں تو کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا پتہ جی نا تو ڈیک ڈیک ہے ان کا جی ہم نے بہت ویٹ کیا کہ باجی بھی آج ہمارے ساتھ چائے پی لیں یہ جلیبیاں سموسے کھا لیں اور باجی چلو رکھ دیو پھر صبح کھا لیں روٹی کھا لیں ہیں تو میں نے جی گوبھی کو 4 سے 5 منٹ اچھی طرح فرائی کیا ہے جی یہ دیکھیں جی گھی نکل آیا ہماری گوبھی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو چولہے کو بند کر دوں چولہے کو جی بند کر دیتے ہیں اور یہ ہے جی پودینہ ان کے دھنیا حبیب صاحب آج پھر نہیں لے کر آئے کوئی ملتا ہے کوئی نہیں چلو یہ جی تھوڑا سا دھنیا ڈال دیتے ہیں اور یہ پسا ہوا جی گرم مسالہ ڈال دیتے ہیں چلو جی ہنڈیا ہماری تیار ہو گئی ہے باقی یہاں پہ بنانے لگے ہیں جی روٹی اور پھر جب روٹی بن جاتی ہے تو پھر اوپر بہت گرمی ہے پھر نیچے چلیں گے جی کھانا لے کر کیڑے بھی آ گئے تو بھی بھائی یہ دیکھیں جی رات ہو گئی ہے اندھیرا ہو گیا جی یہ جو میں نے کپڑے ڈالے تھے ابھی اس کو جی اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں جی لائٹیں آن ہیں ہماری بھی لائٹیں آن ہیں اور باجی نیچے جا رہی تھی پھر اوپر آ گئی ہیں باجی کو پتہ نہیں تھا باجی کہہ رہی تھی کہ اوپر کھانا لگانا ہے کیڑے آ گئے جی بڑے سخت ہاں چلو ٹھیک ہے جی روٹیاں تو ہماری پک گئی ہیں جی بس ایک رہ گئی ہے چلو جی اور ادھر دیکھیں جی حارث آیا ہے ہم سے مل لے تو ابھی کیا میں نے بولا اسے روک لیا کہ کھانا کھا کے جائے کیونکہ اب ٹائم کافی ہو گیا کھانے کا ٹائم ہے چلے جی بس جی ہمارا کھانا بنتا ہے تو پھر نیچے چلتے ہیں حارث نیچے چل کھائیں گے جی ہم تو میرا کھانا جی ہمارا تیار ہے یہ لاسٹ والی روٹی ہے جی اور ہنڈیا کو جی میں لے کے نیچے جا رہی ہوں اور باقی چیزیں جی ہم نے یہاں سے سنبھال دی ہیں جی نیچے چلتے ہیں تو میرا میں نیچے آ چکی ہوں چٹائی یہاں پہ بچھا لی ہے تو یہاں پہ جی دسر خان لگاتی ہے چلو جی حبیب صاحب آ جائے کھانا کھانے بن گیا جی چلو جی بن گیا کب کا بن گیا آپ نے تو ونڈو بھی نہیں صحیح پالش کی
पॉलिश की वो सो आप ऊपर से जंग उतारा ना अभी अच्छा। उसको क्लीन किया है अब फिर उस पे पेंट कर देंगे। अच्छा बस पेंट ये देखिए जी थोड़ा सा काम करके तो आ गए। थोड़ा सा नहीं है उसका बहुत काम है। बहुत काम है जी। जैसे मजदूर का आज ना स्प्रे से होने वाला खाना आ गया आज। चलो साथ जो जी आप खाना खा लो हमारे साथ मिलकर। अक्सर हमारे बहन भाई कहते हैं कि आप थकती नहीं है सीढ़ियां ऊपर नीचे जा जाते हैं तो मैं एक किस्म की जो हमारी एक्सरसाइज ही होती है वो वॉक करने का टाइम हमें मिलता नहीं है तो हम यही समझते हैं हमारी वॉक हो रही है एक्सरसाइज हो रही है हर साल आदत हो गई जी। लेकिन फिर भी जी हमारी कोशिश है कि हम ये दरमियान वाला पोर्शन जो है वो खाली हो जाए अंदर चला जाए फर्नीचर और वहां पर किया करें। वाकई चीज बंदा थक भी जाता है ये नहीं हम थकते नहीं थक भी जाता है लेकिन चले तो मजबूरी है फिर एक्सरसाइज समझ कर हम ऊपर नीचे चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज की स्पेशल रेसिपी गोभी आलू चिकन। सारे कहते हैं जी आपकी हर रोज स्पेशल रेसिपी होती है। हमने कहा जी हाँ नहीं हमारी स्पेशल रेसिपी होती है। स्पेशल ही होता है स्पेशल खाना बन जाता है ना अच्छा जब लगे तो स्पेशल कह देते हैं जी सारे स्पेशल खाने हैं ऐसे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चले जी बिस्मिल्लाह चलो ये देखें जी गोभी की लुक और ये देखें जी हमारी लुक रेसिपी की जबरदस्त है जी। चल जी डाल डाल के देते क्योंकि हारिस ने वापस आना है ना भाई हारिस जी ट्यूशन से पढ़ के आया तो फिर आया है ना ये इसका जी तो मैंने कंप्यूटर रखा है तो ये लेने आया है ये ले जाए जी हमारे घर में फालतू है मैंने सोचा ये ले जाएगा तो चले जी बच्चा है यूज करता रहेगा क्यों जी काम सीखेगा। आता है हारिस सीख लेगा के चले चलाएगा तो सीख लेगा आ जाएगी समझ। चले जी बिस्मिल्लाह करके जी बाजी खाना डाल रही है जी गोभी की लुक बहुत अच्छी है। और ये देखें जी हमारी रेसिपी की लुक अच्छी लुक लग रही है। भाई मिस्त्री का भी जी बाजी खाना डाल दे हैं बस अब खाना खाते हैं जी क्योंकि प्लेटों में खाना आ चुका है। हारिस भी आए जी भाई मजदूर को खाना देने तो बिस्मिल्लाह करके खाने का आगाज करते हैं। वाह बहुत मजा आता है टेस्ट भी बहुत अच्छा है खाने का। तो वैसे जी शाम को खाई है जलेबियां और समोसे तो यहाँ हमारा दिमाग तो फूल लूँ मैंने जी खाना नहीं खाना तो मेरा पेट फूल है और हमारे जितने बहन भाई दोस्त अब आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हो नहीं बिता रहे सबके लिए इजाफा फरमाए सबको तो उम्मीद है कि आपको आज की जी हमारी रूटीन हमारी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें। तो ठीक है इसके साथ ये हम इजाजत दें ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय अल्लाह हाफिज़।
ہر جا رہا ہے اندھیرا ہے لائٹ گئی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں جی فل اندھیرا ہے چلو جی